तो आज सुनते हैं गधे की और बाघ की कहानी। एक बार गधा और बाघ साथ में थे। गधे ने कहा बाघ से कि घास जो है उसका रंग नीला है। बाघ ने कहा नहीं, घास का रंग तो हरा है। गधा बोला नहीं नहीं, आपको दिखता नहीं है, घास का रंग तो नीला है, घास तो वैसे भी नीले रंग की होती है। बाघ बोला नहीं, घास तो हरे रंग की होती है और घास का रंग हरा ही है। अब ये करते 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 दोनों में इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ, इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, इतना ज्यादा तनाव हो गया, गुस्सा हो गया कि दोनों को कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी। दोनों गए जंगल के राजा के पास। जंगल के राजा सिंह के पास, लायन, द लायन किंग। अब लायन के पास गए, सिंह के पास गए। सिंह ने सारी बातें सुनी और तभी भी गधे ने बोला, देखिए राजा जी, घास का रंग नीला है और ये कहता है घास का रंग हरा है। तब राजा ने, तब लायन ने, सिंह ने अपना जजमेंट दिया कि बात सही है, घास नीले रंग की है और इसके लिए बाघ को 5 साल की सजा दी जाती है। 5 साल बाघ को सजा में मौन में रहने की सजा मिलती है। अब जंगल के राजा ने जो आदेश दिया है वो तो मानना ही मानना है और इसके लिए बाघ ने कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं किए, मान ली, सजा भी उन्होंने मान ली। पर उन्होंने प्रश्न पूछा राजा जी से कि राजा जी, आप भी जानते हैं कि घास का रंग हरा है, मैं भी जानता हूं घास हरे रंग की ही होती है, तो फिर आपने मुझे सजा क्यों दी और आपने वो गधे की बात सही क्यों मानी? तब राजा इतनी सुंदर बात बताते हैं, ये बात सुनने जैसी है। राजा ने बताया, सिंह ने बताया कि तुमको सजा, तुमने हरा बोला या नीला बोला, उसके लिए नहीं मिली है। घास हरा है या घास नीला है, इसके लिए सजा नहीं मिली है। गधा नीला बोल रहा था या हरा बोल रहा था, उसके लिए सजा नहीं मिली है। तुमको सजा इसलिए मिली है कि तुम्हारे जितना बुद्धिमान प्राणी, तुम्हारे जितना ब्रेव, साहसिक प्राणी होकर तुम गधे के साथ आर्ग्यूमेंट में लग गए और वो भी नीले और हरे में, तुमको सजा इसके लिए मिली है। तो इतनी सही बात है, जीवन में भी हम ऐसे ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं। अपने आप को देखो, जो अपने आप को प्रूव करने के लिए बैठा है, उनके पास सारे एविडेंस, सब कुछ वो साथ में लेके बैठे हैं, पर साथ साथ में उनका वो बुद्धि ही नहीं रहता है कि वो किसी भी बात को समझ सके। हमारे जीवन का कीमती समय हमें कभी भी ऐसे मूर्खों के पीछे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनका अपना खुद का मानना है वो क्या सही है क्या गलत है, वो उससे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के बिलीव के पीछे हमें अपना समय क्यों व्यर्थ करना? तो इसीलिए ऐसी चर्चा, वाद विवाद में कभी ना उतरे जिसका कोई मतलब नहीं है। सेंसलेस आर्ग्यूमेंट्स और सेंसलेस डिस्कशन में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा है हमारी मन की शांति को बनाए रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।